ब्लड डोनेशन हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो लोगों की जान बचाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। दरअसल ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी एक्ट है जिसमें एक पर्सन अपनी मर्जी से अपने ब्लड का कुछ पोर्शन डोनेट करता है ताकि उस ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए या फिर लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक ब्लड डोनर का ये छोटा सा सेल्फलेस एक्ट बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्थ की और उनकी वेलबींग की ओर कंट्रीब्यूट करता है। दरअसल कई सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें एक पेशेंट्स की बॉडी में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए अलग से ब्लड चढ़ाया जाता है, जैसे कि सर्जरीज में, कैंसर ट्रीटमेंट्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सिचुएशन में, या फिर अगर किसी को ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उन्हें एडिशनल ब्लड की ज़रूरत होती है। ऐसे में जो डोनेटेड ब्लड होता है वो एक प्रेशियस रिसोर्स की तरह इन पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वहीं अक्सर ब्लड बैंक्स में ब्लड की एक कॉन्स्टेंट डिमांड बनी रहती है और ये ब्लड बैंक्स या हॉस्पिटल इन वॉलेंट्री डोनर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो इसकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर सके और ज़रूरतमंद लोगों को ये ब्लड टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर स्पेशली ब्लड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स की बात करें, जैसे कि थैलेसेमिक या सीकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स की, तो इन्हें तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है ताकि इनकी मेडिकल कंडीशंस को मैनेज किया जा सके। इसके अलावा एमरजेंसीज का किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता और किसी भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स या एक्सीडेंट की स्थिति में ब्लड की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और टाइमली ब्लड की अवेलेबिलिटी किसी के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ हो सकती है। इसलिए रेगुलर ब्लड डोनेशंस इस तरह की हेल्थ इमरजेंसीज की प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम किसी भी क्राइसिस में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहता है। इन सभी के साथ साथ ब्लड डोनेशंस मेडिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में भी योगदान देते हैं, क्योंकि ये डोनेटेड ब्लड कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, नए ट्रीटमेंट की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि इनोवेटिव थेरेपीज और ट्रीटमेंट को लाया जा सके। ब्लड डोनेशन की ड्राइव्स एक कम्युनिटी इंगेजमेंट को बढ़ावा देती है जो ये बताती है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने छोटे छोटे एफर्ट से एक पूरी कम्युनिटी के हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए बड़े एफर्ट्स कर सकता है। जनरली वो सभी इंडिविजुअल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस और डोनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इनमें जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है डोनर की एज, यानी 18 से लेके 65 ईयर्स तक के लोग ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोग या फिर 65 साल से बड़े जो सीनियर सिटीजन है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डोनर का वेट जो कि 50 केजी के आसपास होना चाहिए, जो डोनर्स की सेफ्टी डोनेशन के दौरान और उसके बाद इंश्योर की जा सके। डोनर्स की पल्स रेट की बात करें तो बिना किसी इरेगुलरिटी के 50 से 100 के बीच में होना चाहिए और हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 होना ही चाहिए। इसके अलावा बीपी और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में हो और ब्लड डोनर्स की हेल्थ डोनेशन के समय अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इलनेस, कोई बीमारी या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन ना हो। वहीं अगर इन एलिजिबिलिटी की कुछ और कंडीशन देखें तो वो लोग जो HIV पॉजिटिव हैं या फिर जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, TB या कोई और अन्य गंभीर बीमारी हो, वो लोग डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन्होंने डोनेशन के पहले 24 आवर्स में अल्कोहल लिया हो वो भी डोनेट नहीं कर सकते, या फिर अगर किसी ने डोनेशन से 6 महीने पहले तक में कोई टैटू बनवाया हो या फिर रेबीज या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई हो तो वो भी डोनेट नहीं कर सकते। हालांकि इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में लोकल रेगुलेशन और ब्लड डोनेशन सेंटर्स के अनुसार एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए डोनेशन से पहले नियरेस्ट ब्लड डोनेशन सेंटर्स को ज़रूर संपर्क करें। वैसे तो ब्लड डोनेशन के पहले सभी तरह की हेल्थ कंडीशन की हिस्ट्री ज़रूर ली जाती है, ज़रूरत पड़ने पर जाँच करके डोनर
डोनर की हेल्थ को भी इंश्योर किया जाता है, जिसकी वजह से डोनर्स पर असर ना के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री सही से ना बताए तो फिर डोनर और डोनेटेड ब्लड दोनों के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो ब्लड डोनेशंस की फ्रीक्वेंसी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि ब्लड डोनेशन सेंटर्स की पॉलिसीज, मेडिकल गाइडलाइंस और डोनर की हेल्थ को कंसिडर करते हुए देखा जाता है। लेकिन जो कॉमन या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हैं उनके अनुसार अगर एक पर्सन होल ब्लड का एक यूनिट डोनेट करता है तो उसका वेटिंग पीरियड 8-12 वीक्स का होना चाहिए, उसके बाद ही वो दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। ये टाइम फ्रेम डोनेटेड ब्लड सेल्स को रीबिल्ड करने के लिए और ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल बनाने के लिए रखा जाता है। ब्लड डोनेशन की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हुए डोनेशन सेंटर्स हर इंडिविजुअल की हेल्थ को देख कर ही डिसाइड करते हैं, इसलिए जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं उन्हें एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, उन्हें वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हालांकि इस फ्रीक्वेंसी के लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें ताकि आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सके। मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करता हूँ क्योंकि मैं नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर हूँ और ब्लड डोनेशन की इम्पॉर्टेंस को अच्छी तरह समझता हूँ। ब्लड डोनेशन बहुत से लोगों की जान बचाने में मदद करता है, स्पेशली थैलेसीमिक बच्चों को तो लाइफ टाइम ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से समय समय पर उनकी पूरी बॉडी का ब्लड चेंज किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे ब्लड की नीड होती है, इसलिए हर एक ब्लड डोनेशन में लाइफ सेव करने की पावर है। इस बारे में हम टाइम टू टाइम कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के ज़रिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी रेज करते हैं। और यूथ को तो मैं बताना चाहूँगा कि वो इस बात को समझें कि पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को ब्लड शॉर्टेज की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए ब्लड डोनर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत अच्छी सेवा है जिससे आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ की लाइफ में खुशियाँ भर सकते हैं, इस लाइफ सेविंग रिसोर्स की शॉर्टेज ना हो इसको इंश्योर कर सकते हैं और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके लिए आप ब्लड डोनेशन सेंटर्स पर एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन को उनसे ज़रूर शेयर करें, किसी तरह की कोई हेल्थ हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है तो वो भी बताएं और एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद ही डोनेट करें। डोनेशन से पहले और बाद में खुद को हाइड्रेटेड रखें, डोनेशन से पहले न्यूट्रिशियस मील लें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहे, डोनेशन से पहले रात को अच्छी नींद लें और डोनेशन के बाद एक शॉर्ट पीरियड के लिए रेस्ट कर सकते हैं और डोनेशन सेंटर्स पर दी गई पोस्ट डोनेशन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ब्लड डोनेशन कल्चर को बनाए रखने के लिए यूथ को मोटिवेट करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस को, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बेहद ज़रूरी है, जो कि एजुकेशनल कैंपेन, सोशल मीडिया या कम्युनिटी इवेंट्स के ज़रिए किया जा सकता है। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस या यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम ब्लड डोनेशन के इम्पैक्ट को, उनकी स्टोरीज को शेयर करके इसके इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरह के नोबल एफर्ट से कितने लोगों की लाइफ सेव हो सकती है। इसके अलावा यंग ब्लड डोनर्स को सर्टिफिकेट्स या अप्रिशिएशन इवेंट्स या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए रिकग्नाइज करें तो यूथ काफ़ी मोटिवेटेड होगा। इसमें यूथ क्लब और इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट ब्लड डोनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और मिथ बस्टर सेशंस ऑर्गेनाइज करें या इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर सही इन्फॉर्मेशन और इससे जुड़े किसी भी तरह के फियर्स को एड्रेस करें तो ये मास कैंपेन एक अच्छी ब्लड सप्लाई को इंश्योर कर सकता है।